My lord, Mr. I represent Mr. Ehtezaz Ehsan. Please, did you not hear, or we have to repeat all that has been said again? My request is it should be considered together with the Lahore High Court bar petition. We will not consider this request because you want us to encroach on the powers of the committee. My lord, I will not do so. We are if you want me to violate the law of Pakistan, I will not do so. Lord, we are making a request that if the committee deems fit. Repeating it. Well, that's third time, you may be lucky. उसके साथ ही कंसीडर हो जाएगी अभी अभी ने कह दिया है ठीक है मालूम के पास जाने के लिए दैट्स ऑल विद दी थिंग थैंक यू जी जरा वो बताइए स्टडीज ये मेरे ख्याल में वहां से बात शुरू करते हैं जी ये The Chief Justice of Pakistan, CJP, received a letter dated 25 March 2024 from six judges of the Islamabad High Court on 26 March 2024. Considering the gravity of the allegations leveled in the said letter, the CJP called a meeting on the same day with the Chief Justice and all the judges of the Islamabad High Court after iftar at 8 p.m. at the CJP's residence. The concerns of all the judges were heard individually in a meeting that lasted for over 2.5 hours. ये एक सेकेंड देखिए आजकल जो है ना कहना तो नहीं चाहिए मगर हो रहा है क्या करें हम पता नहीं गोबल्स का जमाने को वापस ला रहे हैं कि प्रोपेगेंडा भाई इससे ज्यादा अगर कोई मुझे बता सके चुस्ती से किसी ने कोई काम किया हो 26 को खत मिला वसूल हुआ 26 ही को माह रमजान में सारी के फौरन बाद तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई ठीक है सरसरी मीटिंग मुलाकात नहीं हुई 2.5 घंटे की मुलाकात हुई इस मुलाकात में मेरे साथी सैयद मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट सीनियर प्यूनी जिनको हम कहते हैं मगर आइन में सीनियर मोस्ट जज का नाम है वो भी मौजूद थे ठीक है तो अगर हम इसको इस बात को अहमियत नहीं देते तो ये क्या मीटिंग रमज़ान के बाद नहीं हो सकती थी नहीं हो सकती थी फॉरेन की कहाँ की चीफ जस्टिस हाउस में की ठीक है तो ये अब आगे पढ़िए जरा अगला पहला द फॉलोइंग डे 27 मार्च 2024 द सीजेपी मेट विद द अटॉर्नी जनरल एंड द लॉ मिनिस्टर And thereafter, the CJP, along with the senior puni judge, met with the president of the Supreme Court Bar Association and the senior most member of the Pakistan Bar Council present in Islamabad. A full court meeting of all the judges of the Supreme Court of Pakistan was called under the chairmanship of the CJP at 4 p.m. the same day. The full court deliberated over the issues raised in the letter sent by the six judges of the Islamabad High Court. A consensus was developed amongst the majority of the members of the full court that in view of the gravity of the situation the CJP may hold a meeting with the Prime Minister of Pakistan on the issues raised in the said letter and the meeting was adjourned ji the prime Ab, minister ne ye zara se dekhiye kam se kam koi aur koi baat ye samjhe but there will be zero tolerance on the independence of the judiciary kam se kam ye to main isko nahi अब हम क्या कर रहे हैं अब हमें अपना काम तो करने देना हो सकता है कोई और हमसे बेहतर काम करना जानता हो मैं इसमें ये नहीं कहता हूं मैं अकले कुल हूं अगर ये आप सिर्फ देखना है कि किस रफ्तार से काम हो रहा है अब जो वकीलों के नुमाइंदा हैं नुमाइंदे हैं एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो है एसोसिएशन सालाना इंतखाबात होते हैं उसमें और एक है पाकिस्तान बार काउंसिल पाँच साल में होते हैं इंतखाबात पाँच साल में इंतखाब होते हैं ठीक है तो यही वो भी मेरे ख्याल में एक बहुत अहम जिसको स्टेक होल्डर कहते हैं पता नहीं इसका उर्दू तर्जुमा क्या होगा स्टेक होल्डर हम इस्तेमाल करते हैं मेरे ख्याल में वो सारी वकीलों की नुमाइंदगी कर रहे हैं सारे ठीक है हो सकता है आपके मुखालिफ भी हो मगर इस वक्त वो आपके जमहूरी नुमाइंदे हैं आपको पसंद हो या ना वो हैं इसके बाद हम क्या करते हैं तमाम जजेस की मीटिंग करते हैं अभी ज़रा ये बता दें कि अगली पिछली फुल कोर्ट मीटिंग कब हुई थी आई थिंक आफ्टर यू हैड अस्यूम्ड ऑफिस उस वक्त हुई थी एक जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वॉज टू बी हर्ड आई थिंक
before it, as far as I am aware. 18 इससे September. पहले मीटिंग हुई थी 18 सितंबर 2023 को yes. ये पहला दिन था कि जब मैं चीफ yes. वो तो इतवार के दिन था तो वो काम वो वर्किंग डे नहीं था तो पीर का दिन yes. सबसे पहला काम किया फूड कोर्ट की मीटिंग की और इससे पहले कब मीटिंग हुई थी चार साल पहले कहाँ थी सारी बार कहाँ थे सारे वकील तब मुझे नहीं समझ आ रहा चार साल फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं हुई मैं किसी भी उंगली नहीं उठा रहा हूं मैं सिर्फ आपको एक फैक्ट बता रहा हूं अहमियत इंस्टीट्यूशन की अहमियत चीफ जस्टिस से नहीं होती इंस्टीट्यूशन की अहमियत तमाम जजेस से होती है सिविल जज से लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कोई किसी किस्म का कोई हमला होगा हम सबसे पहले मैं आऊंगा फिर यकीनन मेरे सारे साथी मेरे साथ खड़े होंगे इसमें और इंटरफेरेंस हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ठीक है तो इसकी अहमियत मगर अगर किसी का कोई और एजेंडा है कि मैं ऐसे करूं मैं वैसे करूं फिर वो इंशाल्लाह या तो प्रेसिडेंट बन जाए सुप्रीम कोर्ट बार के या चीफ जस्टिस बन जाए फिर वो अपनी मर्जी कर लें ये जो प्रेशर जो आएगा ना हम नहीं बर्दाश्त करेंगे प्रेशर इस तरह का अब ये चीज़ें हम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अदा करती है जुडिशियल फंक्शन नहीं अदा करती आप हमसे बेहतर जानते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो तमाम जजेस साहिबान थे मिले और उस पर हमने यकीनन लंबी बात हुई होगी क्योंकि तकरीबन इफ्तारी तक पहुंच गई थी मीटिंग 4 बजे से तो ये फैसला हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है और अगला चीफ जस्टिस सीनियर मोस्ट जज भी होता है तो उसको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए कि हम लोग मिलें प्राइम मिनिस्टर से एडमिनिस्ट्रेटिवली नॉट जुडिशली ज़रा फ़र्क आइन में फ़र्क है चीज़ों के किससे मिले प्राइम मिनिस्टर से और लॉ मिनिस्टर से यकीनन उनका ताल्लुक है लॉ से और तीसरे आप खुद थे उस मीटिंग में और हमारी तरफ से रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्योंकि हम इसको ऑफिशियल मीटिंग ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग का दर्जा देना चाहते थे कोई चेंबर में मीटिंग नहीं की कोई घर में मीटिंग नहीं की एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस में अक्रॉस द टेबल एग्जेक्टिव आपकी पेश हो रही है सामने इसको इंतजामिया कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर एक हद तक मुकन्नना के भी हेड हुए क्योंकि मेजॉरिटी वोट उनको सपोर्ट है इसीलिए प्राइम मिनिस्टर हैं और इस तरफ अदलिया की इंतजामिया बैठी हुई है एडमिनिस्ट्रेटिवली तो ये मीटिंग हुई अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं जरा Prime Minister, accompanied by the Law Minister and Attorney General, met with the CJP, Senior Puni Judge and Registrar of the Supreme Court at the Supreme Court at 2 p.m. today, 28 March 2024. अब जरा देखिए रफ्तार देखिए अगले दिन और इसमें आपने भी बहुत अच्छा रोल अदा किया फौरन आपने मीटिंग अरेंज की आपसे जब हमने रजू किया मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि जब मैंने प्राइम मिनिस्टर से शेयर किया कि आप मिलना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि जो भी अर्लीस्ट पॉसिबल